नमस्कार दोस्तों, सुबह का अभी 9 बज रहा है और हमारी साइट पर आप देख सकते हैं ईंट उतारी जा रही है। बड़ा गाड़ी इस गली में नहीं आता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा थोड़ा ईंट ही छोटा टेम्पा में हम भर के लाते हैं और जितना काम चलाना है उतना ही ईंट यहाँ पर साइट पे उतारते हैं। साइट पर ईंट उतारते समय ज़्यादा ईंट हो या थोड़ा सा ईंट हो, ईंट का तप्पा लगाने का ये बिल्कुल सही तरीका है दोस्तों। क्योंकि बाद में जो है ईंट गिनती करने में आपको बहुत आसानी होती है और ईंटों की गिनती करना भी बहुत ज़रूरी है। गिनने का ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि मान लो कि आपने ऑर्डर करवा दिया है ट्रैक्टर से या 407 से 2000 ईंट का या 1000 ईंट मंगवाया है, तो फिलहाल तो मार्केट में ईंट का बहुत काला बाजारी हो रहा है, भाव भी ज़्यादा है, दिन पर दिन भाव बढ़ते जा रहे, कहीं पे 10 रुपया है, कहीं पे 11 है, तो कहीं पे 12 रुपया हो रहा है। इसीलिए साइट पे ईंट आते समय गिनती करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आपको दिख रहा है दोस्तों, अगर इस तरीके से ईंट साइट पर उतारी जाती है तो उसे गिनती करने में बहुत तकलीफ होती है, या तो गिनती ही आदमी कर नहीं सकता है तो आदमी परेशान हो जाता है। अगर ऐसे एक एक ईंट गिनने जाओगे तो बहुत समय भी चला जाएगा और गिनती सही तरीके से नहीं हो पाएगी। साइट पर ईंट उतारने के बाद में उसको दूसरी मंजिल पे या तीसरी मंजिल पर ऊपर चढ़ाना होता है, तो उससे क्या होता है मजदूर को भी आसानी हो जाती है कि वो भी उनका हिसाब पर ईंट होता है, इतनी ईंट है तो इतना रुपया हम लेंगे, उसको भी गिनती करने में आसानी हो जाती है। इस तरह से ईंट उतारने से क्या होता है दोस्तों, आप अपने ही मोबाइल से कुछ ही सेकंडों में इस ईंट का कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब 0 मिनट में आप पता लगा सकते हैं कि ये ईंट कितनी होगी। जिस तरह से मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ ये ईंट कितनी उतारी गई है। क्या है, बीच में जो कट होते हैं उनका बीच में कहीं पे थप्पा रहता है, 150 ईंट वहाँ पे उतार के फिर आगे निकलते हैं, ऐसे भी करते हैं लोग। ये वापस ले जा रहे, वापस ले जा रहे, वहाँ रखने का। आप देख सकते हैं दोस्तों, ईंट का गाड़ी पूरा खाली हो चुका है। अभी मैं इसी ईंट का कुछ ही सेकंडों में गिनती करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ईंट का जोड़ा में 3 ईंटा है और 3-3 ईंटा का ऊंचाई में 10 जोड़ा हमने लगाया है। और लंबाई में 3-3 ईंटा का 5 जोड़ा हमने लगाया है। सबसे पहले ऊंचाई की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एक लाइन में 30 ईंटा हुआ और इसकी लंबाई में 30-30 ईंटा की 5 लाइनें हैं। 30-30 ईंटा की 5 लाइन उसे मल्टीप्लाई किया तो 150 ईंट होती है दोस्तों। और इस ईंटों का थप्पा में 2 ही लाइनें हैं, मतलब 150 ईंट एक लाइन में है और दूसरी लाइन में 150, तो टोटल यहाँ पर 300 ईंट उतारी गई है। ज़्यादा ईंट अगर हो तो उसे गिनती करने का यही फार्मूला है दोस्तों, और कम ईंट हो तो भी उसे गिनती करने का यही फार्मूला ठीक है।